गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक स्केल है, ठीक है, तुम्हारे पास एक स्केल है और स्केल तुमने मेजर किया, तुम्हारे पास अलग अलग स्केल की कॉम्बो आई, मेजरमेंट आई। अब जरूरी थोड़ी ना जो तुमने मेजर किया वो एकदम एक्यूरेट है, सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मानो एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, ठीक है। इस रॉड को तुमने जब मेजर किया, तुमने देखा इस रॉड की जो लेंथ आ रही थी, इस रॉड की जो लेंथ आ रही थी, फॉर एग्जांपल ये आ रही थी 2.31। थोड़ी देर बाद मेजर किया, इसकी रॉड की लेंथ आ रही है 2.33। फिर थोड़ी देर बाद मेजर किया, 2.34 आ रही थी, ठीक है। तो रॉड की जो लेंथ आ रही है वो जरूरी थोड़ी ना ये तीनों ही वैल्यू, जरूरी थोड़ी ना तीनों वैल्यू उसकी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो गई जिसमें अपन लैग कर रहे हैं, और किसी भी गलती कारण हो सकता है जिससे तुम मेजर कर रहे हो उस डिवाइस में प्रॉब्लम हो, या फिर तुम ठीक से मेजर ना कर पा रहे हो, या तो ये भी हो सकता है कि तुम ठीक से मेजर ना कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी तुम्हारे पास वैल्यू हो, उस वैल्यू को, वैल्यू जो आई है उसमें क्या इरर है, उस इरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इससे एक आध क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से सुनना, तुमको बनने लगेगा, ठीक है। मैं जितने भी टाइप की जो इरर है उसको रेक्टिफाई करने के जो तरीके हैं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते रहूंगा, ताकि तुमको क्लियर होता जाएगा एक साथ, क्योंकि जब तुम फॉर्मूला देखोगे तो शायद तुमको फॉर्मूला एक बार में समझ में ना आए। वेरिएबल अगर लेके समझाऊं a1 a2 a3 x y z तो ना है, मैं डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि लास्ट क्लास हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कराए थे जिसके कारण तुमको समझ में आ गई थी चीजें। तो आज एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन ही समझाता हूं डायरेक्ट तुमको, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाता हूं, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट तुमको चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक रॉड है, या फिर बोल सकते हो एक वायर है, ठीक है, मेरे पास एक वायर है, मैंने उसकी डायमीटर को मेजर किया, मैंने वायर की डायमीटर को क्या किया बच्चों, मेजर किया। जब वायर की डायमीटर मैंने मेजर किया तो मैंने देखा उसकी अलग अलग डायमीटर आ रही थी। फॉर एग्जांपल पहली बार मैंने मेजर किया वो आ रही थी 1.38। ध्यान से सुनते हैं ना, मैं एग्जांपल के थ्रू पूरा चैप्टर करा दूंगा, इस एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा के पूरे जितने टाइप के इरर है उन सबको समझा दूंगा, ठीक है, एक ही एग्जांपल के थ्रू। फिर एक और क्वेश्चन तुमको करने दूंगा नीट प्रीवियस ईयर का, तुम मुझे करके बताना फिर, ठीक है। एक वायर है जिसका डायमीटर मैंने मेजर किया वो आ रहा था 1.38, फिर आ रहा था 1.330, फिर आ रहा था वो 1.325, अगला आ रहा था 1.326, फिर मैंने मेजर किया वो आ रहा था 1.334, फिर मेजर किया वो आ रहा था 1.336। तो ट्रू वैल्यू होती क्या है, ध्यान से सुनना, मैंने जो वायर लिया उसका डायमीटर मेजर किया अपनी डिवाइस से, मेरे पास एक डिवाइस थी, उस डिवाइस से मैंने क्या किया मेजरमेंट ली, उस मेजरमेंट से मेरे को 6 वैल्यू आई। पहली वैल्यू आई 1.38, नेक्स्ट वैल्यू आई 1.330, नेक्स्ट आई 1.325, नेक्स्ट आई 1.326, उसके बाद आई 1.334, उसके बाद आई 1.336, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी, जो ट्रू वैल्यू होती है वो होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब कि समेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को मीन वैल्यू निकालनी है इन सब की मीन वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल A1 है, ये A2 है, दूसरी वैल्यू A2 है, थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू A3 है, ये A4, ये A5 और ये A6। तो जो मीन वैल्यू होगी वो होगी बच्चों, मीन वैल्यू होगी वो होगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी। तो हम जल्दी से रख के बताओ क्या आती है वैल्यू, जल्दी से वैल्यू पुट करो, 1.38 प्लस 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336 डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यू है, 6 है, टोटल कितनी वैल्यू है, 6 है, तो डिवाइडेड बाय 6। जल्दी से मेरे को आंसर होता है कितनी इसकी ट्रू वैल्यू आएगी, जल्दी से निकाल के दिखा उसके मीन वैल्यू कितनी आ रही है फास्ट। कई लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एक्स मीन, ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो या सिंपल लिख सकते हो AM, AM मतलब मीन वैल्यू, यहाँ AM लिखा है तो मैं AM से ही डिनोट करता हूँ इसको, AM, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करके बता सकते हो तुम मेरे को कि क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी फास्ट ट्राई करो। ये जो मैंने डायमीटर नापी है इस वायर की, मैंने डायमीटर मेजर की है इस वायर की, तो इस वायर की डायमीटर की मीन वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से मेरे को बताओ फास्ट सॉल्व करके। ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, चेक करना जल्दी से,
ये आ रहा होगा ऐसा कुछ 7.979 आ रहेगा, 7.979 डिवाइडेड बाय 6 ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा होगा तुम लोगों का, ठीक है, सॉरी नाइन लिख दिया, 7.976 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 6 वैल्यूज है। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.330, 1.330। ध्यान सुनना, तो अगर कोई बोले इसकी ट्रू वैल्यू निकालो, मान लो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रॉड की लेंथ निकाली और रॉड की लेंथ कुछ ऐसे आ रही है, बहुत सारी वैल्यू दी रहेगी, तो पूछेगा इसकी मीन वैल्यू क्या है या बोलेगा इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, समझ रहे हो, या तो बोले ट्रू वैल्यू क्या है या पूछे इसकी मीन वैल्यू क्या है, तो सिंपली क्या करना है, इसके एवरेज निकाल देना, एवरेज निकाल देना, मतलब सबको टोटल करके जितने नंबर ऑफ वैल्यूज दिए हैं उसको डिवाइड दे देना, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1.330 और ये किसमें सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में मेजर कर लेना। क्लियर हो गया सभी, कोई डाउट है इसमें, ट्रू वैल्यू निकाल लोगे सभी लोग, क्लियर हो रहा है तुम लोग को सभी को, इसमें कुछ टफ लग रहा है क्या, नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, ठीक है अरबाज, समझ में आ रहा है अरबाज अली, क्लियर हो रहा है सभी को, तो ट्रू वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है अब आगे देखते हैं, ठीक है अब है नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि अब जैसे मेरे को निकाला जो मैंने पिछला जो एक्सपेरिमेंट किया है तुमको, जो पिछला मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसी का, इसी को सॉल्व करके आगे दिखाता हूँ, इसी को मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि A1 कितना था, A1 की वैल्यू कितनी बताई थी बच्चों, A1 बताई थी 1.328, A1 कितना बताया था 1.328, A2 कितना बताया था बेटा मैंने, A2 बताया था मैंने 1.330, 1.330, A3 कितना बताया था, A3 बताया था मैंने 1.325, 1.325, A4 कितना बताया था, A4 बताया था 1.326, 1.326, A5 क्या बताया था, A5 बताया था मैंने 1.334, 1.334, और A6 कितना बताया था, A6 बताया था मैंने 1.336, तो ठीक है अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखते हैं, अब निकालना सीखते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ट्रू वैल्यू को, क्लियर है ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहले क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मान लो डेल्टा, इसको डिनोट करेंगे तुम डेल्टा, ऐसे लिख लेना डेल्टा, डेल्टा A1, डेल्टा A1 होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है सामने, ए मीन माइनस AI, AI मतलब A1 निकालना है और मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो A mean की वैल्यू भी कितनी निकाली थी अपने 1.330 और A1 कितना है, A1 कितना है 1.328, समझ में आ रहा है 1.328, ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर फॉर वैल्यू 2 कितनी आएगी, डेल्टा A2, डेल्टा A2 कितनी आएगी, ये आएगी A mean मतलब A mean कितना निकाले अभी अपन ने 1.330, तो 1.330 माइनस 1.330, अब ऐसे A3 निकालो डेल्टा A3 ये आएगा तुम्हारा A mean 1.330 माइनस 1.325, ऐसे ही A4 निकालो, ये आ जाएगा 1.330 माइनस ऑफ A5, तो वो कितना 1.334, ऐसे ही डेल्टा A6 वो कितना आएगा तुम्हारा 1.330 माइनस 1.336, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो फास्ट, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आता है, एब्सोल्यूट एरर निकाल के दिखाओ मेरे को कितना आता है सभी को, एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, ए मीन माइनस ऑफ AI, AI मतलब A1 A2 पहली वैल्यू A1, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी A4, पांचवी A5 और A6, समझ में आ गया ठीक है, A4 कितना था, A4 नीचे लिखा नहीं है, वेट अ सेकंड, ये A5 लिख देते, A4 है, A4 कितना है बच्चों, A4 है 1.330 माइनस 1.326, क्लियर हो, तो इसको माइनस करने पर आ रहा 0.002, इसको माइनस करने पर कितना आएगा 0.002, 0.002, क्लियर हो गया, नेक्स्ट डेल्टा A2 कितना है सॉल्व करने पर, 0.000, डेल्टा A3 सॉल्व करने पर कितना रहा यार 0.005 प्लस का 0.005, A4 कितना रहा, A4 आ रहा 0.004, 0.004, A5 कितना है सॉल्व करने पर, A5 आएगा तुम्हारा सॉल्व करो माइनस ऑफ 0.004, माइनस 0.004, ऐसे A6 कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ 0.006, क्लियर आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख गए तुम, ठीक है, मैंने सबसे पहले सिखाया तुमको ट्रू वैल्यू निकालना, ट्रू वैल्यू किसी भी
ध्यान सुना, किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखना जो जो तुमने वैल्यू कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है, उनका एवरेज निकाल लो। जो एवरेज आएगा वो रहेगा ट्रू वैल्यू, ठीक है। और कोई बोले एब्सोल्यूट इरर क्या, एब्सोल्यूट इरर डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, जो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू तुम लोगों ने निकाली है वो माइनस ऑफ इंडिविजुअल जो तुमने वैल्यू निकाली, इससे तुमको पता चलेगा एब्सोल्यूट इरर। क्लियर हो रहा है तुम लोग, कोई डाउट है क्या? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट इरर। अब तुम लोग सिखाता हूं मैं मीन एब्सोल्यूट इरर, उसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मीन एब्सोल्यूट इरर सिखाता हूं, ठीक है। ये सामने तुम लोग को दिख रहा है फॉर्मूला, ये सामने तुमको दिख रहा है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या करना है तुम लोग को, डेल्टा ए1 क्या था, एब्सोल्यूट इरर 1, डेल्टा ए2 क्या था, एब्सोल्यूट इरर 2, डेल्टा ए3 क्या रहेगा, एब्सोल्यूट इरर 4, 3। ये जितने भी अपने डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 ये सब निकाले, डेल्टा ए1 ए2 सबको पुट करके डिवाइड बाय एन कर देना, ठीक है। तो अपन ने पिछला कैसे निकाला था, एक सेकंड, ये देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 सबकी वैल्यू आगे हमको क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे, ये डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 ये सब पूरी वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है। मैं तुमको पुट करके दिखाता हूँ, डेल्टा ए1 कितना निकाला है अपने, डेल्टा ए1 निकाला है कितना, 0.002 0.002 0.002, डेल्टा ए2 कितना निकाला, 0.005 0.005, डेल्टा ए3 कितना निकाला है मैंने, मैंने निकाला 0.004 0.004, डेल्टा ए4 कितना निकाला है वो भी 0.0004 0.004 प्लस 0.006 0.006, ठीक है 0.006, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है। हाँ एक चीज तुम लोग मेरे से सोच रहे होगी थोड़ी देर पहले, तुम लोगों ने एक चीज ध्यान दी जो मैंने समझाई कि सर आपने तो उसमें निगेटिव लिखा था, सर पॉजिटिव क्यों लिख दिया। अभी तुम सोच रहे हो कि सर वहां तो माइनस आया था, माइनस ऑफ 0.004, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इरर हमेशा बढ़ता है, तुमने जो भी चीज मेजर की है, जो भी चीज मेजर की, एक बार इरर कम आया एक मेजर में, दूसरे मेजर में इरर ज्यादा आया, और सबको जोड़ोगे तो इरर बढ़ेगी ना, इरर कम थोड़ी ना होगी। इसलिए चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, हमेशा मॉड लेते हैं, मतलब कि प्लस साइन लेना माइनस नहीं लेना है, क्लियर आ गया। डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, इसको कैलकुलेट करो जल्दी, आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट, कितना आता है मेरे को जल्दी से आंसर बताओ सॉल्व करके। 0.021 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करने पाएगा तुम्हारा 0.004, चेक कर लेना, सॉल्व करने पाएगा 0.004 आ रहा होगा, क्लियर हो गया। तो सुन लो जो मैंने बताया, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, क्वेश्चन अगर नीट में आए तो इसी टाइप के आएंगे, शुरुआत में जितना मैंने पढ़ाया उसमें से। ये सबसे पहला आएगा ट्रू वैल्यू निकालना, ट्रू एरर निकालने का क्या रहेगा, ट्रू वैल्यू निकालने का क्या करना कि जितनी भी वैल्यू दी है सबका एवरेज निकाल देना, ठीक है, सबका क्या निकाल देना, एवरेज निकाल देना। दूसरा आएगा तुमको एब्सोल्यूट इरर निकालने के लिए, तो एब्सोल्यूट इरर के लिए क्या करना, जितनी भी तुमने इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट की है उसको मीन वैल्यू में से माइनस कर देना, मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू क्या होता है, एवरेज, जो पहले सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आएगा मीन एब्सोल्यूट इरर, मीन एब्सोल्यूट इरर में क्या करना, जितनी भी तुम्हारे एब्सोल्यूट इरर आए हैं, जितने भी तुम्हारे एब्सोल्यूट इरर आए हैं बच्चों, उन सब का क्या निकालना है तुमको, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज आया तुम्हारा 0.004, क्लियर हो गया। अब आया रिलेटिव इरर, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को फिर से कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। एक बात है रिलेटिव इरर, रिलेटिव क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसलिए याद रखना इसको, इट इज अ प्योर नंबर, हैव नो यूनिट। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव इरर, ऐसा टाइप क्वेश्चन आज कर लेना, कॉमन सी बात है बच्चों, एवरेज है, फ्रैक्शन का कभी कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती। दो नंबर को डिवाइड को, दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करोगे यूनिट आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो रिलेटिव इरर है क्या, रेशियो है, किस किस का रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट इरर का, मीन एब्सोल्यूट इरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, समझ में आ गया। रिलेटिव इरर कैसे निकालोगे तुम लोग, रिलेटिव इरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोग को,
सबसे पहले तो उसका मीन वैल्यू निकालो, क्या निकालना तुमको, मीन वैल्यू निकालना है किसकी, उसकी इरर की, एब्सोल्यूट इरर की, मीन एब्सोल्यूट इरर निकालो, उसको डिवाइड करना है मीन वैल्यू से, मतलब मीन वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे पास और मीन एब्सोल्यूट इरर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें मीन एब्सोल्यूट इरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट इरर कितना है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट इरर आया तुम्हारा कितना सॉल्व करने पर, वो आया था तुम्हारा 0.004, तो 0.004 डिवाइड बाय मीन कितना है, मीन आया था 1.330, 1.330, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आता है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फास्ट, रिलेटिव इरर कितने का है जल्दी से बताओ मेरे को, फास्ट सॉल्व करो अपनी अपनी रफ कॉपी में, जल्दी जल्दी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना आया तुम्हारा रिलेटिव इरर, जल्दी से फास्ट डिवाइड देना, सिर्फ डिवाइड देना है, इतना आ रहा है का चेक करो, 0.003 ये आ रहा है का चेक कर लेना एक बार, जल्दी से चेक कर लो इसको, यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेके पूरे के पूरे तुम लोगों के खत्म कर देता हूँ इरर, ताकि तुम लोगों को सेम क्वेश्चन बार बार चलेगा तो तुम लोगों को याद रहेगी चीजें कर क्या रहा हूँ। अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन उठाता अलग अलग इरर के लिए तुम कंफ्यूज हो जाते, मैंने सेम ही क्वेश्चन उठाया है और उसमें पूरे इरर को निपटा दिया। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद और ये बार बता भी दूंगा मैं क्या क्या मैंने अभी तक बताया है जो लेट ज्वाइन किया उसके लिए, ठीक है। तो 0.003 क्या आ गया इसका, रिलेटिव इरर आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज इरर, परसेंटेज इरर में क्या करना है तुम लोगों, परसेंटेज इरर में क्या करना है, अभी जो तुमने ये निकाला है रिलेटिव इरर निकाला है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना, रिलेटिव इरर निकाला है उसमें 100 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अपने कितना निकाला रिलेटिव इरर इस क्वेश्चन में, ये निकाला 0.003, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.003 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.3%, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3%, ठीक है। ये तुमको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी पार्ट पूछ सकता है क्वेश्चन में से, ठीक है, इसमें से कोई सा भी पार्ट पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, वो इसी से होते हैं, इसी से कंफ्यूज आता है आपस में कौन से इधर के लिए क्या यूज करना। मैं एक साथ फॉर्मूला भी तुम लोग आगे दे दूंगा, उसको नोट कर लेना तुम लोग आगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक। तो कितना आ गया तुम्हारा, 0.3% क्या गया, परसेंटेज इरर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो पहले इसको देख लो, मैं जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं शुरुआत से बता दे रहा हूँ एक बार, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, जो भी चीज बताई है मैंने काम आने वाली है चीज, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ से देखते हैं ना, फिर से देखते हैं ना, रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, एक बार जल्दी जल्दी रिविजन करा दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। देखो मैंने क्या किया था, मैंने सीरीज ऑफ वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मेरे को बहुत सारी वैल्यूज मिली, क्या मिली, वैल्यूज मिली मेरे को, ठीक है। मुझे निकालना था उसका इरर या ट्रू वैल्यू निकालनी थी कि जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, क्योंकि एक सी वैल्यू नहीं आ रही थी, वैल्यू आ रही थी सबकी अलग। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी वैल्यू निकाली थी सबका मीन एवरेज निकालिया, एवरेज निकालिया मीन बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे वैल्यू कैलकुलेट किया, 1.380, 1.330, 1.325 कैलकुलेट की, उसको मैंने एवरेज निकाला, तो एवरेज आ रहा था 1.330। ये जो वैल्यू आई है 1.330, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, क्या है इसको मैं क्या मानूंगा, मैं इसको मानूंगा ट्रू वैल्यू। अब आगे देखो, ठीक, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट इरर की। अब एब्सोल्यूट इरर निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं ट्रू वैल्यू निकाल चुका था, मैं ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इससे मेरे को क्या पता चल गया, इंडिविजुअली मेजरमेंट पता चला, जिससे मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट इरर नाम दिया, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट इरर, तो तुम लोग बोलना, देखो ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट। जो इंडिविजुअल मेजरमेंट की है तुमने, बच्चों उसमें से मैंने क्या किया, माइनस के सब्ट्रैक्ट किया मीन वैल्यू को, क्लियर हो गया तुम लोगों को, समझ में। अब आगे देखो,
ठीक है, उसके बाद होता है ना मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब कि मीन जो एब्सोल्यूट एरर निकाला था कुल मिला के, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट एरर का मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर का क्या एवरेज निकालना है तुमको, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जो आई है, एब्सोल्यूट एरर जो निकाली है अपन ने, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, इन सब का क्या किया मैंने, एक एवरेज निकाल दिया, तो उसको बोला मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है तुम लोगों को, रिलेटिव में कुछ नहीं करना है बच्चों, पर ये क्या करना, डिवाइड देना, एक रेशियो निकालना है, किस चीज का रेशियो निकालना है, अभी तुमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको ट्रू वैल्यू से, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू से तुम बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड देना है मीन वैल्यू से, ठीक है। तो उसमें 0.004 और डिवाइडेड 1.330 क्या आ गया था अपना, 0.003 आ गया था। इसके बाद मेरे को परसेंटेज एरर निकाला था, परसेंटेज एरर के लिए क्या किया मैंने, परसेंटेज एरर के लिए मैंने क्या किया, जो अपनी थोड़ी देर पहले अपने कैलकुलेट किया था लास्ट स्टेप में, ठीक है, डेल्टा मीन अपॉन ए मीन, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, या ये बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाला था उसको डिवाइड देना मीन से, ट्रू वैल्यू से, इनटू 100 कर देना, ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखो, ठीक है, ये बता ही चुका मैं, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। देखो अब देखा जाए, बेसिकली बेसिकली देखा जाए बच्चों, एरर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है लीस्ट काउंट एरर। ध्यान सुनना, एरर बेसिकली बच्चों तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर, तीसरा होता है लीस्ट काउंट एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है ये भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन, और तीसरा होता है पर्सनल एरर। मतलब होता क्या, जैसे कि मान लो तुमने मेजर किया, ठीक है, जिस चीज से तुम मेजर करो क्या पता वही खराब हो, उसमें ही दिक्कत हो, जिस चीज से, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है, उसमें जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, 100 डिग्री सी, उसमें तुमने जैसे मेजर किया उसमें दिखा रहा 104, उसमें दिखा रहा 104, इसमें किसी और की तो गलती है नहीं, गलती किसकी है बेटा, गलती है जिस चीज से तुम मेजर कर रहे हो, ठीक है, डिवाइस की। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में ही दिक्कत है, जो तुमने मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट में ही दिक्कत है बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरा होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो तुम एक्सपेरिमेंट जो मेजर कर रहे हो, तुम जो एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें तुम इम्परफेक्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मेरे को इसको मेजर करना है, मैं इसको थोड़ा सा हिला दे रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी लेंथ अगर तुम देखोगे, इसकी इसका जो विजन है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो तुमको ठीक से मेजर करना ही नहीं आ रहा है, तुम इम्परफेक्ट हो, तुमकी तुम्हारी टेक्निक सही नहीं है मेजर करने की, तुम्हारी ना मेजर करने की टेक्निक ही सही नहीं है, तो वो टाइप, उस टाइप का जो एरर आएगा बोलेंगे उसको एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर, मतलब कि तुम ठीक से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो एक्सपेरिमेंट को, या तुम एरर ही निकाल पा रहे, या तुम बोल सकते हो तुम मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तुमको टेक्निक ही नहीं पता मेजर करने की, जो उसको इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरी होती है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर कुछ भी हो सकती है यार, मैं बोल दूंगा कि सर मेरी आंख खराब हो गई, ठीक है, मैं वो ठीक से दिखता नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल एरर है, या तुम बोल दो कि मेरे को चक्कर खा के गिर गया मैं, तो ये भी पर्सनल एरर में आ जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पर्सनल एरर होता है ऐसे कि तुम्हारी कोई पर्सनल रीजन से तुम्हारे में एरर आ गया कुछ, ठीक है, पर्सनल रीजन है तुम्हारे जिस कारण एरर आ गया, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो और हो सकता है कि जो तुम देख रहे हो विजन में तुम्हारे इशू आ गया कोई, तो आ जाएगा तुम्हारा पर्सनल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर समझ में आ गया, तो अब सिस्टमैटिक एरर में तीन टाइप के, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और प्रोसीजर, तीसरा पर्सनल एरर। अब रैंडम एरर, रैंडम एरर मतलब क्या, अचानक से कोई एरर आ जाए, अचानक से एक एरर, फॉर एग्जांपल मान लो तुम मेजर कर रहे हो, अचानक से भूकंप आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो क्या नहीं, मतलब तुम मेजर कर रहे हो और उसमें से अचानक से क्या हो कि मेजर करते करते भूकंप आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो क्या नहीं, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आता नहीं है, मतलब आ जाए फिर भी 1% चांस है, मान लो आ जाए भूकंप आ जाए, तगड़ा वाला एकदम अर्थक्वेक आ जाए, तो एरर आ जाएगा, तो जो तू कैलकुलेट कर रहा वैल्यू थोड़ी सी हिल जाएगी, भूकंप आने में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसमें दिक्कत आएगी, एक्सपेरिमेंट सेटअप में जो दिक्कत आएगी तो कॉमन सी बात है, एरर आएगा कुछ ना कुछ, तो उस टाइप का जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। क्लियर होगा। अब तीसरा टाइप का है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर में क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास बच्चों, तुम्हारे पास स्केल है, स्केल उसमें क्या होता है, लीस्ट काउंट वैल्यू होती है, मतलब कि मिनिमम इतना मेजर कर सकते हो, इतनी वैल्यू तुम मेजर कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हारा लीस्ट काउंट में ही एरर है,
लीस्ट काउंट में ही रह रहा, छोटे सा पार्ट ही उसका गलत है मेजर करने के स्केल पे, उसके लीस्ट काउंट में ही दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब तुम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका फाइनल जो वैल्यू आएगी उसमें दिक्कत आने वाली है। ठीक है, लीस्ट काउंट तुमने देखा होगा, तुम अगर वर्नियर कैलिपर वगैरह तुमने चलाया तुमको शायद पता हो ये सब। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो वैल्यू है उसमें अगर एरर है तो कॉमन सी बात है, जब तुम पूरा वैल्यू मेजर करोगे, पूरा वैल्यू जब मेजर करोगे आखिरी में, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, इशू आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन लीस्ट काउंट एरर। अब आगे देखो, ठीक है, ये सब बता दे तुमको। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया मैंने इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इम्परफेक्ट हो, ठीक है, पर्सनल एरर कुछ भी हो सकता है, पर्सनल एरर जैसे केयरलेसनेस, ठीक है, ह्यूमन सेंस, आंख से दिखाई नहीं देना, ठीक है, इम्परफेक्शन मतलब तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, रैंडम एरर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो गया या भूकंप आ गया अचानक से रैंडमली, ठीक है, तुमको पता भी नहीं, बिना प्लान के भूकंप आ गया, तो क्या जाएगा वो रैंडम एरर में काउंट होगा। लीस्ट काउंट एरर में क्या होगा कि मान लो जो तुम स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट होता क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो कहलाते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर मान लो उसमें ही दिक्कत आ गई तो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर आ जाएगा पूरी कंप्लीट वैल्यू में। समझ में आ गया। अब ये कुछ कुछ ये रिड्यूसिंग द लीस्ट काउंट एरर, अब जो तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए, जो हाई वैल्यू तक मेजर करे। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई वैल्यू मेजर की वो इतनी है जी 3.34, और दूसरी वैल्यू मेजर की दूसरे बंदे ने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो है 3.3456373 इस टाइप है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा वैल्यू कौन सी प्रिसाइज है, ये इसको तुम ज्यादा प्रिसाइज बोलोगे एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना हमेशा ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा हो, जिसका रिजोल्यूशन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, रिजोल्यूशन ज्यादा मतलब ज्यादा हाईली प्रिसाइज हो। ठीक है, जो डेसिमल डिजिट जिसकी ज्यादा वैल्यू तक, ज्यादा डिजिट तक जो काउंट कर सके वैल्यू, उसको बोलेंगे हाईली प्रिसाइज। उसको एक और नाम है इसको रिजोल्यूशन। ठीक है, जिसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हो तो ट्राई करना ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन लो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लो जिसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अपनी टेक्निक सुधारो। ठीक है, तो उसमें ये छोटी मोटी चीजें एग्जाम है तो इससे रिलेटेड कभी आया नहीं है, फिर भी मैंने तुमको समझा दिया। ठीक है, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं फाइनली जो लिखे हुए हैं सामने, जिसके बारे में अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने एक ही पूरी स्लाइड में एक ही साइड डाल दिए पूरे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो फिर से मैंने सामने पूरे एक ही जगह पूरे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। पहला तो एक बात, कोई डाउट है क्या इसमें जो बताया उसमें से, कोई डाउट है जो मैंने अभी समझाया उसमें से, कोई डाउट आ रहा है क्या, कुछ कुछ भी डाउट है तो बताओ मेरे को कोई सा भी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जैसे ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या रहेगा, मीन वैल्यू रहेगा, जितने भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं उन सबका मीन और एवरेज वो रहेगा मीन वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा, ए मीन माइनस ए, रिलेटिव एरर क्या रहेगा, निकाल बता ही दिया मैंने, उसके बाद परसेंटेज एरर क्या रहेगा, रिलेटिव माइनस रिलेटिव इनटू 100 कर देना। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब तुम लोगों को बनी जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज मैंने जो क्वेश्चन कराया है, मैंने जो क्वेश्चन कराया है तुम लोगों को बच्चों, वो तो काफी अच्छे लेवल का था, ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन है, ये तुमको बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ आगे कुछ चीजें और तुमको, उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पर। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा चांस है इसी से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब ये होता है कि मान लो एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू तुमने मेजर किया, ठीक है, और दूसरी मेजर्ड वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया, तो एक बात, और पहली जो तुमने वैल्यू मेजर की उसका एरर और दूसरी वैल्यू जो तुमने मेजर की उसका एरर, दोनों को जो जोड़ोगे जब तुम, तो एरर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। पहली मेजर्ड वैल्यू जो तुमने निकाली है, ठीक है, पहली मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू निकाली ए और उसमें जो एरर आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए मतलब एरर, उसमें एरर साथ में या कम हो सकता है ज्यादा, और दूसरी जो वैल्यू निकाली उसका एरर है बी, उसमें उसकी वैल्यू है बी, उसमें जो एरर आ रहा है प्लस माइनस और डेल्टा बी का आ रहा है। ठीक है, अब तुम इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों वैल्यू को जोड़ दो, तो फाइनल वैल्यू जो आएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा, ये आएगा ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस
बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्टली तुमको एक क्वेश्चन ही बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। लिख लो इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एज कंपेयर टू ये डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए इसके। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैपेसिटीज कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, जो तुमने क्लास 12th में पढ़ो कैपेसिटर। हालांकि मैं कैपेसिटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ बेसिक से। टू कैपेसिटीज मेजर्ड आर 1.3 प्लस माइनस ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड। डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था, क्योंकि पूरे क्वेश्चन एक ही से सॉल्व होते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो सेम ही है। ठीक है, तो पहला ये है, ये दिया कैपेसिटेंस वन। ठीक है, कैपेसिटेंस वन दिया 1.3 प्लस माइनस ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड। ठीक है, एंड दूसरा कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, एंड कैपेसिटेंस टू ये दिया हुआ तुम्हारा 2.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2 माइक्रोफेराड। ठीक है, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटीज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटीज इन पैरेलल विथ परसेंटेज इरर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटीज इन पैरेलल विथ परसेंटेज इरर। दो कैपेसिटर जब पैरेलल में रहते हैं बच्चों, ये हालांकि क्लास 12th में तूने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला। टू कैपेसिटर जब पैरेलल में रहते हैं, ये मान लो C1 और ये C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है C1 प्लस C2। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होता है C1 प्लस C2। तो इसमें भी तुमको वही करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP इक्वल क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। जल्दी से ऐड करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आता है, जल्दी से ऐड करो फास्ट, जल्दी से ऐड करके बताओ मेरे को आंसर कितना है, मैसेज बताओ मेरे को आंसर कितना आता है। जल्दी से फास्ट फैट देखो, ये दोनों को ऐड कर दो ये दोनों को, तो 1.3 प्लस 2.4 इसको ऐड कर दो ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख दिया करो। ठीक है, फिर प्लस माइनस का साइन लगाया करो इसको प्लस ये वैल्यू को ऐड कर दिया करो, 0.1 प्लस 0.2। ठीक है, कितना आ रहा है सॉल्व करने पर 0.3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.7 प्लस माइनस ऑफ 0.3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये बताओ क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। ये आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस, ये आ जाएगा टोटल तुम्हारा टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, हो गया तुम्हारा 1.4 क्या आ रहा है देख ले, यही आ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है अरबाज, क्या दिक्कत आ रहा है जल्दी से बता क्या दिक्कत आ रहा है। ऐसा तुम लोग ऐसा बोल सकते हो या फिर कि 3.7 का इरर है और 0.3 प्लस 3.7 की वैल्यू आई है, इरर आया प्लस माइनस ऑफ 0.3। अब देखो परसेंटेज इरर कैसे निकालते, ध्यान सुनना, परसेंटेज इरर निकालने के लिए क्या करना है तुमको, परसेंटेज इरर निकालने के लिए ये करना, इक्वल टू 0.3 ये 0.3 डिवाइडेड बाय 3.7, 0.3 डिवाइडेड 3.7 इनटू 100, ये आएगा तुम्हारा कितना 8.1%। क्लियर हो रहा है, चेक कर लो एक बार 8.1% के अप्रोक्स आ रहा है। मैं फिर से बताऊं कि समझ में आ गया, फिर से बताऊं ये समझ में आ गया, जल्दी से बताओ फास्ट अरबाज, समझ में आया क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और दू करके बताओगे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करके बताना। कैपेसिटेंस वन है, ध्यान सुनना, कैपेसिटेंस वन है 2.5 प्लस माइनस ऑफ 0.2 माइक्रोफेराड, और दूसरा कैपेसिटेंस है 1.4 प्लस माइनस ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड। दोनों को पैरेलल में लगा दिया है। जल्दी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ परसेंटेज इरर, और साथ में परसेंटेज इरर भी बताना मेरे को जल्दी से फास्ट।
सोचो जल्दी से, परसेंटेज इधर भी बताना है। थ्री पॉइंट सेवन आएगा ना, 2.7 कहां से आएगा? जल्दी से करो सॉल्व, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो उसको। कितना आ जाएगा? 3.9 प्लस माइनस ऑफ 0.7। और परसेंटेज इरर निकालना, तो परसेंटेज इरर कैसे निकालोगे? परसेंटेज इरर कैसे निकालोगे? एरर 0.7 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 100, ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन, एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, ठीक है? इसमें क्या करते हैं लोग, सबसे बड़ी गलती करके आ जाते हैं, इसमें इरर को ना, इरर को भी माइनस करके आ जाते हैं, इसमें इरर को भी बच्चों क्या करके आ जाते हैं, वो माइनस करके आता है। इसमें मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बताता हूं तुम लोगों, ध्यान सुनना। द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स, मैं क्वेश्चन ही करके बता देता हूँ डायरेक्ट तुमको, ठीक है? द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स आर, लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स आर मेजर टू बी, आर मेजर्ड टू बी, एल वन मेजर किया, पहली लेंथ मेजर की मैंने 5.62, 5.62 प्लस माइनस ऑफ 0.01, 0.01, ठीक है? और लेंथ टू की मेजर की एंड लेंथ टू मेजर की 4.34 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस ऑफ 0.02, दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है? दोनों है तुम्हारे सेंटीमीटर में, ठीक है? मेरे को निकाला कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट, एरर लिमिट। जल्दी से सॉल्व कर लो इसको फास्ट। जल्दी सॉल्व करो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं, जैसा प्लस को करते हैं, जो सोचते हैं जैसा प्लस को कर दिया फिर सब्ट्रैक्शन, वो सोचते हैं कि जो वैल्यूज है उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। इरर हमेशा बढ़ता है, इरर कभी कम नहीं होता, ध्यान से सुनना बच्चों। इरर जो रहता है ना, जैसे मान लो तुमने कोई एक वैल्यू कैलकुलेट की, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, इसी क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने एक लेंथ निकाली 5.62 प्लस माइनस 0.01 का एरर के साथ, ठीक है? और दूसरी वैल्यू निकाली 4.34 प्लस माइनस ऑफ 0.02 के एरर के साथ, प्लस माइनस होता है या ज्यादा या कम, ठीक है? जब दोनों को तुम जोड़ोगे तो एरर बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू को, तो एरर तो बढ़ना है, एरर कभी कम नहीं हो सकती, एरर कभी भी कम नहीं होगी, एरर तो बढ़ेगी ही हमेशा, ये याद रखना, इसको गलती करके मत आ जाना। इसीलिए याद रखना इस चीज को ना, कभी भी गलती करके मत आ जाना बच्चों। समझ में आ रहा तुम लोगों कि इरर हमेशा बढ़ती है, चाहे तुम सब्ट्रैक्ट करो चाहे तुम ऐड करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो इसको क्या करोगे तुम, क्या क्या दिया क्वेश्चन में, देखो एल फॉर एग्जाम्पल तुमको निकालना एल, ठीक है? एल डैश बोलो इसको, मान लो तुम एल वन माइनस ऑफ एल टू कर लो, ठीक है? 5.62 माइनस 4.34 करो, ये आ जाएगा 1.28 आ जाएगा, ठीक है? फिर प्लस माइनस ऑफ, इन दोनों को तुमको जोड़ना है, कम नहीं करना है, इन दोनों क्या जोड़ना है, जोड़ना है, तो 0.03 इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना इसका आंसर आ जाएगा 0.03, 1.28 प्लस माइनस ऑफ 0.03। कोई तुम्हें परसेंटेज एरर पूछे तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? एरर डिवाइडेड बाय 1.28 इंटू 100। क्लियर हो गया? जल्दी से देख लो एक बार इस चीज को देख लो जल्दी से, क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर लेना बच्चे, ठीक है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना याद रखना कि सब्ट्रैक्शन के केस में एरर को भी साथ में माइनस मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एरर को भी माइनस करके आ जाते हैं, एरर को माइनस नहीं, एरर तो बेटा हमेशा बढ़ेगी, चाहे तुम प्लस करो चाहे माइनस करो, एरर हमेशा बढ़ेगी, एरर कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो,
एब्सोल्यूट एरर से मैं ये बता दिया मैंने, एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन। मान लो दो नंबर है, दो नंबर है बच्चों, ठीक है, ए इन टू बी, ठीक है, तो उसकी जो एरर आएगी पहले की उसको डेल्टा ए अपॉन ए, और दूसरे की जो आएगी वो आएगी डेल्टा बी बाई बी। तुमको ये करना, इस फॉर्मूले को याद रखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाता हूँ अच्छा सर, ठीक है, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट का, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है ना, सॉल्व कराता हूँ डायरेक्ट, तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ, ध्यान सुना, द लेंथ एंड द ब्रेथ, नोट करना कर लो, साथ साथ तुम नोट करते जाया करो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना, ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना आर मेजर्ड टू बी, आर मेजर्ड टू बी, आर मेजर्ड टू बी 2.3, ध्यान सुनते हैं ना, 2.3 प्लस माइनस ऑफ 0.2, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ, ये लेंथ, और ब्रेथ दिए तुम्हारी, ये दिए 1.6 प्लस माइनस ऑफ 0.1, 1.6 प्लस माइनस ऑफ 0.1, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। मेरे को निकालना एरिया, मेरे को क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है, क्लियर हो गया, ठीक है। तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, देखो एल ये डेल्टा एल, ठीक है, ये ब्रेथ बी, ये डेल्टा बी। एरिया निकालना तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, क्योंकि तुम लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को तुम ऐसा लिख लो, समझ में आ रहा है सभी को, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया होता, सामने जो इक्वेशन लिखी हुई फॉर्मूले की जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे तुम लोग, या फिर बोल सकते हो डेल जेड बाय जेड, एरर कैसे निकालेंगे उसमें एरिया में, अगर एरिया लेंथ है ए और ब्रेथ है बी, दोनों की एरिया ए इंटू बी, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, इसलिए मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ को एल मान लिया, बी मान लिया, तो ए बी पर मत जाना, तुम सिर्फ क्वेश्चन पर जाना, ठीक है, तो फॉर्मूला रटना मत तुम, ठीक है, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, इसको सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वेट अ सेकंड, कहां गया सर, घंटा, हाँ, डेल्टा एल बाय एल मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 2.3, ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस डेल्टा बी बाय बी 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको सॉल्व करो कितना आता है, ये आएगा तुम्हारा प्लस माइनस ऑफ, ये प्लस माइनस भी रहेगा बेटा सामने, ठीक है, इसको ऐसे प्लस माइनस लिख लिया करो, ठीक है, डेल्टा ए बाय ए, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो ये आएगा तुम्हारा 0.55 अपॉन 3.68, ये आएगा तुम्हारा डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, इसको नोट कर लो जल्दी से, पहले तो फर्स्ट इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे आएंगे बेटा तुम लोग से, क्वेश्चन ना इस टाइप के ही पूछे आएंगे, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए आया तुम्हारा 0.55 अपॉन 3.68, ठीक है। अब एक बात आओ, एक बात आओ बच्चों, डेल्टा ए जो है, डेल्टा ए है, डेल्टा ए एरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.55 अपॉन 3.68 इंटू ए, ए यहां चला जाएगा, और एरिया सिंपल निकालना है, एरिया जो रहेगा सिंपल 2.3 इंटू 1.6 रहे, इसकी जो एरिया है वो है विदाउट एरर की अगर काउंट करें तो आएगा 2.3 इंटू 1.6, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करने पे आएगा नियर अबाउट 3.68, तो इसको सॉल्व कर लेना, 0.55 अपॉन 3.68 इंटू 3.68, क्लियर हो गया तुम लोगों का, समझ में आ गया, ठीक है, तो सॉल्व कर दोनों कट जाएंगे तो 0.55 आंसर आ जाएगा, 0.55, ठीक है। कुल मिलाकर फिर से बता रहा हूं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मत आ जाना,
प्लस में मैंने क्या बताया था, प्लस में क्या बताया था, इरर को एक साथ जोड़ लेना और उसकी जो वैल्यू है उसको जोड़ लेना, मेन वैल्यू को जोड़ लेना और इरर को एक साथ जोड़ लेना। डिफरेंस में क्या करना है, तो डिफरेंस में क्या करना है, जो इरर आया है ना उसको घटाना मत, उसको भी साथ में जोड़ना है तुमको, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करना है, जो दो क्वांटिटी को जो तुम मेजर कर रहे हो उस चीज की बात चल रही है, ठीक है। और डिवीजन में भी सेम रहता है, जैसे मल्टीप्लाई है ना बच्चों, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में भी सेम ही रहेगा, जैसे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। गलती से माइनस मत कर देना, गलती से माइनस मत कर देना, कई लोग सोचते हैं कि डिवाइड है तो माइनस कर देंगे, माइनस मत करना, प्लस ही रखना इसको, काम की चीज आती है। जैसे क्वेश्चन आते हैं इरर ड्यू टू पावर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरर ड्यू टू पावर, पावर को सामने लिख देना। जैसे कि मान लो मैं अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, ध्यान सुनना, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल्स टू ए की पावर एम, ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर के, सी की पावर के और डी की पावर टी, डी की पावर टी। कोई पूछे मैक्सिमम फ्रैक्शनल इरर निकालो जेड का, जेड का मैक्सिमम फ्रैक्शनल इरर निकालो, तो पता है क्या करना तुम, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू जो पावर है ना उसको सामने लिख देना, एम इंटू डेल्टा ए बाय ए, फिर प्लस लगाना, ये एन लिखा है ना एन को सामने, एन डेल्टा बी बाय बी, प्लस जो के लिखा हुआ है ना के इसको सामने लिख देना, प्लस के इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस टी डेल्टा डी अपॉन डी। ऐसा कर देना तुम्हारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल इरर आ जाएगी। क्वेश्चन कराता हूं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं तुमको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, क्वेश्चन नोट करो, ठीक। कैलकुलेट द परसेंटेज इरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, कैलकुलेट द परसेंटेज इरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, जी जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, वेयर लेंथ एंड, वेयर लेंथ एंड, वेयर एल एंड टी आर मेजर्ड, वेयर एल एंड टी आर मेजर्ड विथ, एल को मेजर किया कितने परसेंट से, प्लस माइनस ऑफ 2% से मेजर किया, और टी को मेजर किया प्लस माइनस ऑफ 3% से। तो मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, इरर निकालना है, ठीक है, परसेंटेज इरर निकालना है। तो ध्यान से सुनना, डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी निकालना है। ये 4 और पाई से कोई मतलब नहीं है बेटा, ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, ये इसमें इरर क्या आएगा 4 और पाई में, ये फिक्स क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल जो है वो अपना एल और टी, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तो दो ही मेजर हो सकती है, लेंथ और टाइम। तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस प्लस टाइम की वैल्यू टी, कितना, टी की पावर 2 है, तो 2 सामने लिख देना, 2 डेल्टा टी बाय टी, ठीक है। अब देखो और सामने क्या करना है, ऐसा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ, ऐसा कर देना। अब देखो प्लस माइनस ऑफ, डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कितनी थी परसेंटेज में, 2 दिए तो 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी दी परसेंटेज में, 3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस ऑफ 8%, क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं ऊपर रखा हुआ, ठीक है, ये है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ए की जो फ्रैक्शनल इरर है, ए की है वो है 2% की, बी की है 3% की, सी की है 1% की और डी की है 4% की, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी इंटू डी की पावर 2, ठीक है, ये जेड है। मेरे को फ्रैक्शनल इरर निकालना है, मेरे को परसेंटेज इरर निकालना है, ध्यान सुनना, मेरे को परसेंटेज इरर निकालना है, ठीक है, जेड, जेड की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ठीक है, पावर के फॉर्म में जो है। तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू 2 सामने, तो 2 को लिख लो, 2 इंटू डेल्टा ए बाय, डेल्टा ए बाय की वैल्यू कितनी दी है, 2% दी है, तो 2, ठीक है। फिर क्या करना, ब्रैकेट बंद, फिर क्या करना, प्लस लगाना। अब देखना बी की पावर कितनी दी है, बी की पावर दी है 3 इंटू 3%, फिर प्लस के, के की वैल्यू कितनी दी है, सी की वैल्यू के, सी कितनी दी है, सी की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा,
प्लस डी की पावर 2, 2 इंटू डी, डी कितना है 4%, 2 4 जा 8, जो कैलकुलेट करें ना, 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 प्लस माइनस 22%, 22%। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस टाइप के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, तुमको आराम से अब बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर के तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम लोग को काफी चीजें अब बनने लगेगी, सॉल्व कर सकते हो तुम लोग आराम से भी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तुमको क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ बाद में रिवाइज करा दूंगा एक बार ये सब चीजें। ठीक है, और मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो शुरुआत में पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, जब इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा एकदम ज्यादा जा तो रहा हूँ डिटेल में, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं जा रहा हूँ एबीसीडी से, क्योंकि तुम नीट रिपीटर हो, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब चीजें, तुम लोग ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हो, इसलिए मैं एकदम बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, एकदम से बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बेसिक से जाया जाता है। अगर तुमको फिर भी नहीं बनना तो मेरे को बता देना, मैं बेसिक से भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।